इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। घर हर एक इंसान की जरूरत होती है, वह कैसा भी घर हो आसियाना होता है जिसमें अपने परिवार के साथ जीवन बिताते हैं। कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पे घर जैसे आसियाने को तोड़ दिया गया है। वह जगह है वाड़ी बुंदेल पीड़ी मेला रोड मुंबई की। वहां के नागरिक परेशान नजर आए। क्या है इसकी सच्चाई, सुनिए वहाँ के लोगों से। हम लोग भी भारतीय नागरिक है, हम लोग भी कोई बाहर से रहते नहीं, हम लोग को कोई साथ देने के लिए राजी नहीं हो रहा। हम लोग भी बहुत गरीब है, कम से कम ने बोला तो 13 साल हो गया यहाँ रहते थे। एक पहले यहाँ एक बड़ी पोर्ट्रेस की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग वो कम से कम ने भी बोलेगा तो 40-50 साल की बिल्डिंग, उसकी गारंटी भी खत्म हो गई थी। हमारे जान के जोखम में रह के हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग रहते थे। ये लोग गेट वाले लोग भी साहब लोग आके बोट के गए थे, बिल्डिंग गिर जाएगी, कुछ भी मर फिर जाएंगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम लोगों ने बोला ठीक है सर, हम लोग को तो कोई सहारा नहीं है। बीएमसी वाले लोग हम लोग को कोई भी टाइम दिया नहीं। कुछ लोग ऐसे है कि 2002 में भी थे और कुछ लोग ऐसे है कि ये जो बिल्डिंग थे 2005 से ये बिल्डिंग गिराया गया था उस टाइम में। तो जब बीएमसी में जब कटिंग में आए थे कुछ लोगों को मिला है, यानी कि 45 लोगों को मिला है और उसमें से 55 लोगों को नहीं मिला है। वो डॉक्यूमेंट अभी भी इनके पास है जो बीएमसी ने उनको नहीं दिया है। ये जो 55 लोग है ये कहाँ पर जाएंगे, इनको तो कोई तो सहारा चाहिए। तो उन लोग ने क्या क्या वहाँ से आकर यहाँ पर बसा है, तो अभी यहाँ पर से भी उनका छत निकल दिया गया, तो अब ये कहाँ पर जाएगा। ये तो कोई बाहर से नहीं आया, या कोई पाकिस्तान से नहीं आया, या कोई बांग्लादेश से नहीं आया, ये इंडियन नागरिक है, ये हिंदुस्तान का है। और दूसरी बात है सर कि बाकायदा दिल्ली में स्टेटमेंट दिया गया था नितिन गडकरी साहब और अरविंद सावंत के साथ में, दोनों साहब बहस कर रहे थे दिल्ली में, ये दोनों के ये बहस थे बीपीडी की जगह के लेके बहस था। इसमें 25,000 झोपड़े के बाद निकला गया था, पूरे दारूखाना से लेकर बीपीडी की जगह पे लेकर। तो वहां पर ऐसा हुआ कि जब अरविंद सावंत साहब जब सवाल किए थे नितिन गडकरी साहब को, तब उन्होंने कहा था कि अगर हम इनको हटाएंगे भी तो हम इनका कुछ सहारा देंगे इनको, तभी हम इनको हटाएंगे। अभी तो ये बिना सहारा देके इनको हटाया गया है। पहली बात तो इनके पास डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट ऐसा है कि कटिंग का डॉक्यूमेंट था, यानी कि उस पट्टे का डॉक्यूमेंट था इनके पास। ये रोड का जो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था बोल के, ये रोड का डॉक्यूमेंट नहीं था बोल के इन्होंने लाइट बिल यहाँ बिठाने नहीं दिया। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट है, 95 का डॉक्यूमेंट है इनके पास, 82 का राशन कार्ड है इनके पास, लेकिन इनको बीएमसी वाले ने घर नहीं दिया है। पोर्ट्रेस वाला कहता है कि इनको घर दिया है, हमने दिया है वो लल्लू भाई कंपाउंड में गोंडी में दिया है, लेकिन किसी को नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया, सवेरे नोटिस मारा, 2 घंटे के बाद इसको तोड़ा गया है। तो ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है जो सवेरे नोटिस मारे और उसके कुछ 2 घंटे के बाद तोड़ा जाए, ये कोई कानून में लिखा हुआ नहीं है। ये सरासर इनके साथ में नाइंसाफी हुई। भागम दौड़ी कर रहा है, हमारे बाल बच्चे लेके जाएंगे कहाँ, ये बीएमसी वाले सताते हैं, पोर्ट्रेस वाले सताते हैं, हमको किधर ना किधर तो सुविधा देना चाहिए। अभी ऐसा नुकसान करने के बाद में अपना क्या फायदा मिला।